ग्राम प्रधान ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक लेखपाल है, सितारगंज गांव, थाना फरीदपुर में पड़ता है। उसके एक लेखपाल के साथ लूट हुई थी। उसके कई सारे जो चकबंदी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो लूट लिए गए थे। और इस घटना को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्लान करा था। और जिस प्लानिंग का जो मुख्य व्यक्ति है वो ये ग्राम प्रधान है। ये ग्राम प्रधान ने कई सारी गड़बड़ियाँ कर रखी थी, लोगों से पैसे ले रखे थे चकबंदी ना कराने के नाम पर। और उसके बाद इस जो चीज़ें हैं इस लूट को उसने प्लान किया ताकि जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं चकबंदी रिलेटेड वो सारे के सारे गायब हो जाएं। और इसमें इसने कई लोगों को इन्वॉल्व किया। इसमें इसका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है और एक आबिद नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो कि हिस्ट्री शीटर है। और कई सारे इसमें अपराधियों को इसने इकट्ठा किया और इस घटना को प्लान किया। और उसके बाद हमारी टीमें लगी हुई थी इसे गिरफ्तारी करने में। तो इसमें हम लोगों ने इसी क्रम में इसके ऊपर हम लोगों ने पुरस्कार भी घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति इसमें घटना में प्रमुख होगा उसके ऊपर ये इनाम घोषित किया जाएगा। और लगातार हमारी टीमों के जो सर्च अभियान में और जो हमारे जो सर्विलांस के माध्यम से काम चल रहा था उसमें हम लोगों ने उसी क्रम में इसको गिरफ्तार किया है और इसको न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस पर कहाँ कहाँ मुकदमे दर्ज हैं? ये वहाँ पर नारकोटिक्स वगैरह के काम में भी पहले जेल गया हुआ है। यहाँ शहर के बारादरी थाने से भी ये जेल जा चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तक भी इसके जो तार हैं वो जोड़े गए हैं। वहाँ भी एक थाने से ये जिले में अभी हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ से ये जेल गया है इसी नारकोटिक्स के मामलों में। और भी इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसके खिलाफ कार्रवाई। कितने हज़ार रुपये यहाँ? ये 2500 रुपये का है। कानपुर से आए क्या? थोड़ा सा हाँ सीधा ले लेंगे ना भैया, थोड़ा सीधा ले लेंगे। लेडी जी खा के आदमी अरे यार क्या कर रहे हो यार, तुम बना ही रहे अभी तो बनाया नहीं है फिर यहाँ पर।